इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाई वन एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और उनका जो नेमिंग करने का रूल है वो भी एंड टू एंड आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन के बारे में। हालांकि इसके बारे में हमने टेंथ में पढ़ाया था तो ज़्यादा डिटेल में ही पढ़ाया था, तो इसको हम यहीं पर बहुत जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एक ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन होगा और सिर्फ हाइड्रोजन होगा, कोई और एलिमेंट नहीं होगा। विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एक दूसरे कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी आई होप आप लोगों को पता होगा, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक एल्कीन में और एक एल्काइन में। ओके, इनको हम क्या बोल देते हैं, एल्कीन बोल देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और अनसैचुरेटेड को एल्कीन में और एल्काइन में। एल्कीन के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं। एल्कीन, एल्कीन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं एल्केन। फॉर एग्जाम्पल, इसका थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है। अब इसमें आप कहोगे सर, आप कह रहे हो कार्बन कार्बन, यहाँ तो सर एक ही कार्बन है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है। अच्छा, नेमिंग के भी रूल हम लोगों को बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड रूट, सबसे पहले वर्ड रूट, उसके बाद में आएगा सफिक्स, उससे पहले आएगा प्रीफिक्स। ओके, हालांकि ये भी डिवाइडेड हो जाते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये भी डिवाइड हो जाते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। क्या मतलब होता है इन सारी बातों का, धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। आप बस थोड़ा बने रहिए और बिल्कुल दिमाग लगा के हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए अपने कानों में और अच्छे से पढ़िए शांति से। नेम सोचिए, अगर इतना तो टेंथ में भी पढ़ाया था, एक कार्बन होता है तो वर्ड रूट होता है मैथ, दो कार्बन होते हैं तो एथ, तीन होता है तो प्रॉप, चार होता है तो ब्यूट, पांच होता है तो पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ऐसे चलता है टेंथ तक। तो हम लोगों को टेंथ क्लास में याद करा दिया जाता है, एक कार्बन है, एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मैथ। ओके, बॉन्ड कैसा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, एन। ओके, एल्किन में से क्या ले लेते हैं, एन ले लिया जाता है, इसका नाम होगा एल्किन। और भी हो सकते हैं, ये लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन देखो एक दो तीन है, एक हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया है तो कितने बॉन्ड और बनाएगा, तीन बॉन्ड और बनाएगा, इसने दो बॉन्ड बना लिए हैं तो दो बॉन्ड और बनाएगा, इसने एक बॉन्ड बना लिया है तो तीन बॉन्ड और बनाएगा। अब कितने कार्बन है, वन टू थ्री, थ्री कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है स्टूडेंट, प्रॉप। बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है तो फिर सफिक्स क्या रहेगा, सफिक्स रहेगा प्रोपेन। और भी इसमें ढेर सारे हम बना सकते हैं। अच्छा, एक बात और, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू, थोड़ा इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन एल्कीन का, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू। अच्छा, इस वीडियो को हम थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, बस थोड़ा एक रिवीजन टाइप करा दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमने 10th लेवल पे आप लोगों को सिखाई हुई हैं। अगर नहीं देखी हैं तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल डिटेल में बताया है हमने वहाँ पर। एल्कीन की बात कर लेते हैं, एल्कीन में क्या याद करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन एटम किससे कनेक्टेड हो, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ये ले लीजिए, इस वाले कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए, दो बॉन्ड और बनाएगा, मतलब दो एच ओ लगाइए, यहाँ पर भी दो एच लगाइए। अब दो कार्बन है, दो कार्बन का सबसे पहले वर्ड रूट देखते हैं। ओके, दो कार्बन का वर्ड रूट होता है एथ। ओके, अब आ जाता है सफिक्स, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स आता है सबसे पहले जो बॉन्ड को बताता है, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, बॉन्ड को, और सेकेंडरी सफिक्स बताता है ग्रुप को। ओके, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, यहाँ पर इन है, तो यहाँ पर आप
नाम लिख दीजिए एथीन, कोई और ले लीजिए। अगर हम ये लेते हैं ओके सी एच टू, यहाँ पर एक एच लगेगा, यहाँ पर भी एक एच लगेगा, यहाँ पर तीन लगेंगे। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, नंबरिंग करनी पड़ती है। आई होप आप लोगों को ये बातें पता होंगी। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर कहाँ से नंबरिंग करें, एक दो तीन और चार, यहाँ से भी करेंगे तब भी ये जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड के बाद में आएगा, यहाँ से करेंगे तब भी डबल बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन के बाद में आएगा। तो इस कंडीशन में दोनों नंबरिंग सही होंगी, एक ये वाली नंबरिंग भी सही है और ये वाली नंबरिंग भी सही है। तो इसका नाम क्या रहेगा, ब्यूट टू इन। ओके, हमें बॉन्ड की पोजीशन को भी शो करना पड़ता है। अगर कोई कंपाउंड जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड दो बार आ रहा हो, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड ऐसे आए हैं, अब पहले तो हाइड्रोजन लगा लिए, यहाँ पर दो लगेंगे, यहाँ पर एक लगेगा, यहाँ पर एक लगेगा, यहाँ पर भी एक लगेगा, यहाँ पर तीन लगेंगे। इस कंडीशन में मैं आपको दो तरह से नंबरिंग करके दिखाता हूँ, फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ पर है, एक तो बन वाली पोजीशन के बाद में है और एक थर्ड वाली पोजीशन के बाद में है। इनका सम कितना बन रहा है, फोर। यहाँ से करेंगे तब कौन से बाद में, वन टू, एक तो टू के बाद में आ रहा है डबल बॉन्ड और एक फोर के बाद में आ रहा है। थोड़ा बंधनों का आवाज़ आ रही होगी, बंधनों का हम क्या करें, बंधन मानेंगे तो हम कहना भी बेकार है इनसे। चलो तो हम अपने काम पे फोकस करते हैं। सिक्स, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आ रहा है एक टू के बाद में और एक फोर के बाद में है, तो यहाँ पे सम कितना है, सिक्स, और यहाँ पे सम कितना है, फोर। तो यहाँ पर एक रूल है, लोएस्ट लोकेंट रूल। कौन सा रूल बता रहे हैं, लोएस्ट लोकेंट। चलो लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं लोएस्ट लोकेंट। एक तो रूल ये होता है और एक सम लेस, एक ये रूल होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, अभी हम बाद में बात कर लेंगे। यहाँ पर सम कम कहाँ से है, ऊपर से सम जो सम आ रहा है वो लेस आ रहा है, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है और नीचे वाली नंबरिंग गलत है। ओके, तो अब इस कंडीशन में नाम कैसे लिखा जाएगा, पेंट। सबसे पहले आप लोगों को वर्ड रूट ही देखना है, नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं चेन में, कि चेन में कितने कार्बन होते हैं। अब इसके बाद में कहाँ कहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड, एक दो डबल बॉन्ड बन के बाद में है, उसके बाद में एक डबल बॉन्ड थ्री के बाद में है, तो दो डबल बॉन्ड है तो कैसे लिखा जाएगा, इन इन दो बार लिखा जाएगा। आई होप आप लोगों को पता होगा इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, डाई इन, दो बार ना लिखकर, जब कोई एक चीज़ दो बार रिपीट हो रही है तो उसके लिए हम क्या कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डाई। तीन बार होती है तो ट्राई, चार बार होती है तो टेट्रा। तो ऐसे ये हुई एल्किन के बारे में बात। एल्काइन के बारे में बता देते हैं, एल्काइन में क्या याद रखना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, व्हेन दो हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड एल्काइन। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। देखिए इसका देख लेते हैं, यहाँ पर एक एच लगेगा, यहाँ पर भी एक एच लगेगा, इसका नाम क्या रहेगा, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ, और बॉन्ड ट्रिपल है तो सफिक्स क्या आएगा, आइन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ इथाइन। अगर कुछ ऐसे है, यहाँ पर एच लगाइए, यहाँ पर एक भी एच नहीं लगेगा, यहाँ भी ये नहीं लगेगा, यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन। इस कंडीशन में हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पर, कि जहाँ से ग्रुप पास में आ रहा है, एक छोटा सा रूल बना लीजिए, ग्रुप हमारा प्यारा है, ग्रुप हमारा प्यारा है तो ग्रुप पास में आना चाहिए। अब पास में आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो दो के बाद में आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो एक दो तीन के बाद में आएगा, तो ये वाली नंबरिंग ना बढ़िया है, तो ये वाली नंबरिंग बढ़िया। तो इसका नाम बताइए, पांच कार्बन है तो फिर पेंट और टू आइन। तो ये बात हो गई हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हमने कम टाइम में इसको ख़त्म कर लिया है। डिटेल में जाना है तो टेंथ वाले वीडियो को देखिएगा, हमने वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, ये बस रिवीजन के लिए हमने आपको बता दिया। तो चलो इसको आप देखो समझो, मिलते हैं एक और नई वीडियो।